नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, विश्वविद्यालय आयोग या शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के आयोग। इस कड़ी में मैं सबसे पहले स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा आयोग की तरफ आपको ले जाता हूं, जिसमें यह विचार विमर्श किया गया कि जो हायर एजुकेशन है या विश्वविद्यालय शिक्षा है उसका किस प्रकार पुनर्गठन किया जाए या उसमें क्या कमियां हैं, क्योंकि शिक्षा के लिए कार्य तो भारत की आजादी से पहले भी किया गया और आजादी से पहले भी 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए खर्च करने की बात उठी थी, लेकिन किस प्रकार की शिक्षा पर करनी है यह नहीं पता था कि उसके लिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था हो या अंग्रेजी शिक्षा की बात। फिर 1813 के चार्टर एक्ट के बाद ही अंततः भारत में पाश्चात्य और प्राच्य शिक्षा विवाद उलझ गया और अंततः पाश्चात्य शिक्षा वाले सफल रह गए और उसी के परिणाम स्वरूप 1813 के चार्टर एक्ट के तहत अंततः भारत में शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत या लॉर्ड मैकाले का सिद्धांत लागू कर दिया गया। 1835 में फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से या लॉर्ड मैकाले के सिद्धांत को भारत में जब लागू किया गया तो फिर धीरे धीरे 1854 के चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र के तहत इसका प्रयोग किया गया भारत में, जहां शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन की बात कही गई। और फिर 1854 के चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र की जब समीक्षा की गई 1882 में हंटर कमीशन के तहत, तब पता चला कि भारत की प्राइमरी एजुकेशन उसकी स्थिति ठीक नहीं है, वो शून्यावस्था की ओर है, जबकि हायर एजुकेशन या माध्यमिक शिक्षा की स्थिति ठीक है। अब जब प्राइमरी एजुकेशन शून्य हो जाए तो फिर हायर एजुकेशन को सुधार के क्या फायदा, इसलिए शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी कमियां देखने को मिल रही थी। यानी भारत का शिक्षा व्यवस्था को एक संगठित रूप नहीं दिया गया अंग्रेजों के समय। इसीलिए जब भारत आजाद हुआ और भारत में गठित जो शिक्षा आयोग थे उन्होंने एक नए शिक्षा आयोग की ओर संकेत किया। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग तो हम कहेंगे राधा कृष्ण आयोग। दूसरा, इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहते हैं क्योंकि इसने हायर एजुकेशन या विश्वविद्यालय शिक्षा की बातें कही, उसमें क्या सुधार होना चाहिए। अगर इसका कारण आता है, मैंने सब सारा जो टॉपिक है फॉर्मेट कर रखा है कि वन बाय वन मैं इसे समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले कि इसका कारण क्या था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग क्यों गठित किया गया स्वतंत्र भारत के बाद, तो इसमें यही कारण है कि विश्वविद्यालय शिक्षा का पुनर्गठन करना है, आज तक जो नहीं हो पाया। दूसरा, शिक्षा के स्तर को थोड़ा व्यवहारिक बनाना, धार्मिक सांस्कृतिक तथा मानवीय गुणों के अनुकूल बनाना। शिक्षा तो मिल रही है, शिक्षा तो प्राप्त करना है, लेकिन केवल शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक दृष्टिकोण, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए तकनीकी और मानसिक विकास, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए सामाजिक मूल्यों और नैतिकता का विकास। इसको आधार मानकर या इन्हीं गुणों को आधार मानकर नई शिक्षा नीति का प्रावधान लाया गया। अच्छा, सुझाव देने वाली संस्थाएं, यानी इस आयोग के लिए सुझाव देने वाली जो संस्थाएं यहां पर हैं, वो नाम मैंने आपके सामने रखे, दो नाम आपके सामने। सबसे पहले सीएबी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसका गठन सबसे पहले 1920 में हुआ, बाद में 1923 में से हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया और फिर 1935 में पुनर्गठन किया गया, जिसे हम केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के नाम से जानते हैं। दूसरा, आईयूबी, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और जिसका गठन 1925 में हुआ है, अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के मध्य जो होने वाले संबंधों और उनके बीच के पारस्परिक संबंधों को आगे ले जाने का कार्य करने वाली संस्था। ये दो बड़े नाम, इन दो संस्थाओं के द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान लाया गया था। अंततः स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद ने एक बुद्धिजीवियों और तत्कालीन भारत के शिक्षाविदों का एक सम्मेलन बुलाया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की और उसके बाद ही अंततः भारत में स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा आयोग के गठन का प्रावधान तैयार हुआ और अंततः 4 नवंबर 1948 को स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग गठित किया गया, जिसकी अध्यक्षता चूंकि राधाकृष्णन ने की थी जो एक शिक्षाविद थे, और इसीलिए इसे राधाकृष्ण आयोग कहते हैं। कुछ अन्य सदस्य के नाम मेरे पास हैं, 10 सदस्यीय शिक्षा आयोग के जो अन्य सदस्य हैं उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा आयोग की अध्यक्षता की थी, डॉक्टर मेघनाथ शाह, डॉक्टर ताराचंद,
और दो ब्रिटिश या अंग्रेज सदस्य यहां पर हैं, उसमें जेम्स एफ डफ और डॉक्टर आर्थर ई मोर्गन, ये कुछ नाम मेरे पास इससे संबंधित है। अच्छा, फिर जब इस रिपोर्ट, इस आयोग को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो हायर एजुकेशन या उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा का में क्या क्या प्रावधान चाहता है, क्या परिवर्तन चाहता है, या तो उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है 25 अगस्त 1949, 25 अगस्त 1949, जिसमें 747 पृष्ठों की एक पूरी रिपोर्ट थी और लगभग 15 अध्यायों में से विभाजित किया गया था। और कहते हैं कि इस रिपोर्ट को तैयार करने से पहले लगभग भारत के 1000 बुद्धिजीवियों के पास या लोगों के पास इस प्रतिवेदन को भेजा गया था, जिसमें से 600 लोगों द्वारा प्रश्नावली भरकर भेजी गई थी या दी गई थी, तैयार की गई थी या सुझाव दिए गए थे। अच्छा, सुझाव क्या थे खास? 13 विषयों पर खास खास सुझाव थे कि भैया विश्वविद्यालय शिक्षा कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, उसमें क्या परिवर्तन की आवश्यकता है। तो मैंने आपके सामने विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित 13 सुझाव रखे हैं जो कि राधाकृष्ण आयोग ने सामने रखे थे। उसमें सबसे पहले शिक्षा का उद्देश्य क्या हो, शिक्षा कैसी हो, मतलब प्राचीन शिक्षा से, मध्यकालीन शिक्षा से या ब्रिटिशकालीन शिक्षा से किस प्रकार इसमें भेद मतलब अंतर होना चाहिए। दूसरा, शिक्षा का सिलेबस क्या हो, पाठ्यक्रम क्या हो, माध्यम तथा शिक्षण प्रणाली, शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए भारत में और उसकी शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए। अच्छा, धार्मिक और नैतिक शिक्षा की बात कही गई इसमें। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है, उच्च ग्रामीण शिक्षा यानी हायर एजुकेशन ग्रामीण क्षेत्रों में भी होनी चाहिए ताकि पलायन भी रुके और ग्रामीण क्षेत्रों तक शिक्षा की पहुंच बढ़े। स्त्री शिक्षा की बात आई उसमें, स्त्री शिक्षा से संबंधित प्रावधान लाए गए हायर एजुकेशन। अच्छा, नेक्स्ट था शिक्षक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा में सेवा की शर्तें हों, उनका वेतनमान हो, उनको उनकी उनकी डिग्रियां और उनके वर्ग कैटेगराइज हो, यह कहा गया था। विश्वविद्यालय शिक्षा का संगठन स्वरूप और संरचना की बातें कि इसका संगठन कैसा होने, स्वरूप कैसा होना चाहिए। इसके अलावा हायर एजुकेशन से संबंधित प्रशासन कैसा हो और उसका वित्त कौन देखे, ये संबंधी प्रावधान जो खास खास 13 प्रावधान है मैंने आपके सामने रखे, 13 के 13। और जो बातें उसमें, छात्र कल्याण योजनाएं कि विश्वविद्यालय या तत्संबद्ध महाविद्यालयों में छात्र कल्याण योजनाएं किस प्रकार की हों और उनको मतलब उनको प्रस्तुत करने वाली संस्था कौन हो। इसके अलावा इंजीनियरिंग तथा तकनीकी शिक्षा की बात कही गई, शिक्षा के बदलते परिवेश को देखते हुए इंजीनियरिंग, तकनीकी और विधि और कानून शिक्षा अनिवार्य हो गई थी, इस वजह से ये सब इसमें जोड़ा गया। और ये थे वो विश्वविद्यालय शिक्षा के यानी राधा कृष्ण आयोग के दिए गए 13 सुझाव। इन पर कैसे विचार हुआ, क्या हुआ, इनमें परिवर्तन क्या लाए गए, वो मैं आपके सामने धीरे धीरे आगे रखता रहूंगा। लेकिन इस सब को मद्देनजर रखते हुए जब इन चीजों को भारत में लागू किया गया था तो उस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के गुण और दोष आपके सामने आए, क्योंकि हमने इसको फॉर्मेट किया रखा है पूरा। तो विश्वविद्यालय शिक्षा के गुण आपके सामने यहां पर ये देखिए कि हुआ क्या, इसके क्या गुण है इसके। तो सबसे पहले यूजीसी का गठन हुआ 1953 में, जो आज तक एक वित्तीय संस्था के रूप में काम कर रही थी। शिक्षा को समवर्ती सूची में डालना, ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की महत्वपूर्ण बात थी कि किस शिक्षा आयोग के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने की बात कही गई थी, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के तहत। खैर, 1942 संविधान संशोधन 1976 में अंततः शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अच्छा, ग्रामीण विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों का गठन की बात कही गई, यानी ग्रामीण क्षेत्र, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी विश्वविद्यालय यानी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, शिक्षा की पहुंच बढ़े, शिक्षक स्तर में सुधार हो यानी शिक्षकों की ट्रेनिंग दी जाए यानी ट्रेंड शिक्षक आए और उनमें शिक्षा के अलावा शिक्षण कला भी हो, स्त्री शिक्षा की बात हो यानी स्त्रियों की शिक्षा में बढ़ोतरी की जाए ताकि महिला सशक्तिकरण का जो सपना है वो साकार हो सके। अच्छा, व्यावसायिक प्रोफेशनल एजुकेशन हो, तकनीकी और वाणिज्यिक शिक्षा की बात कही गई इसमें। ये सारे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 की खास खास बातें हैं जो उसके गुण हैं। शिक्षा के माध्यम से संबंधित डिस्कशन हुआ कि जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी या हिंदी अनिवार्य की जाए, तो हिंदी अनिवार्य हो लेकिन अंग्रेजी को भी महत्व दिया जाए, ये बातें कही। कल्याणकारी योजनाएं हायर एजुकेशन में, कल्याणकारी योजनाएं ताकि शिक्षा और शिक्षक और जो शिक्षण करने वाले स्टूडेंट्स यानी छात्र हैं उनको उनकी समस्याओं का समाधान। और धार्मिक तथा अनुशासन पद्धति में सुधार, शिक्षा में अनुशासन हो और वहां पर राजनीति हावी ना हो, इन चीजों को मद्देनजर रखते हैं। और धार्मिक यानी शिक्षा कार्य से पहले धार्मिक अनुष्ठान आवश्यक कराएंगे, जो कि एक दोष भी यहां पर हुआ। तो
तो 200 में मैं यहां से दोष इसकी एक्सप्लेन करता हूं कि धार्मिक शिक्षा की ब्याज देता। कहीं कहीं पर यह देखने को मिला कि शिक्षण कार्य शुरू होने से पहले धार्मिक अनुष्ठान आवश्यक थे। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में धार्मिक अनुष्ठानों से शिक्षा की शुरुआत करना बहुत ज्यादा काबिले तारीफ नहीं कही जा सकती, इसलिए यहां पर इसकी आलोचना होने लगी। अच्छा, दूसरी बात, वेतन संबंधी असंगतियां थी। अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार का वेतन डिवीजन था, तो इसमें थोड़ा सा असंगतियां देखने को मिली। माध्यम के संबंध में अस्पष्टता थी, कहा था हिंदी की अनिवार्यता थी लेकिन अंग्रेजी को भी रोका नहीं गया। तो या फिर तकनीकी व्यवसायिक वाणिज्यिक शिक्षा अंग्रेजी में देने की बात की, जो जैसे लेना चाहे। स्त्री शिक्षा के संबंध में थोड़ा सा संकुचित दृष्टिकोण रहा, मतलब आलोचना के बिंदु की बात कह रहा हूं। और यह कहा गया कि जो स्त्रियां हैं उनको विशेषकर गृह विज्ञान की शिक्षा, पोषण संबंधी शिक्षा ये उपलब्ध कराई जाए। तो मतलब स्त्री शिक्षा का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण या रोजगार नहीं था, बल्कि केवल उनको पोषण उपलब्ध कराना था, उनके स्वास्थ्य में सुधार। अच्छा, ग्रामीण विश्वविद्यालयों संबंधी अतार्किकता, ग्रामीण क्षेत्र में विश्वविद्यालय होंगे तो सही लेकिन उनकी जनसंख्या या वो किस क्षेत्रफल पर रहेंगे इस पर कोई डिस्कशन नहीं था। और उच्च शिक्षा के उद्देश्य की स्पष्टता, जो हायर एजुकेशन में क्या क्या उसके उद्देश्य होने चाहिए, इस बात को भी किसी तरह से डिफाइन नहीं किया गया था या एक्सप्लेन नहीं किया गया था, इस वजह से थोड़ा सा आलोचना हमारे साथ है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 जिसे हम जानते हैं, या राधा कृष्ण आयोग 10 सदस्यीय आयोग, और उसमें हमारे सामने उसके जब वो लागू कर दिया गया अंततः भारत में, या जब भारत में काम कर रहा है, तो उसके क्या प्रभाव निकले, क्या गुण या दोष आए उसके परिणाम स्वरूप, उसके परिणाम क्या है, अगर ऐसा प्रश्न बनाता है। तो मैंने आपके सामने परिणाम एक एक करके रखे हैं। जैसे बात आ रही कि 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति, पहले 1900 विश्वविद्यालय अनुदान समिति थी जिसे अब अनुदान आयोग यानी UGC कर दिया गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो ये उपलब्धि थी, इसके परिणाम तो था, इसका प्रभाव था, सकारात्मक प्रभाव। दूसरा, 1954 में ही ग्रामीण शिक्षा में सुधार के लिए ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति का गठन किया गया, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही आधुनिक भारत में। तीसरा, कृषि वाणिज्यिक इंजीनियरिंग कानून चिकित्सा की व्यवस्था, मतलब शिक्षा में हर चीज आए, शिक्षा का उद्देश्य केवल शिक्षा प्राप्त करना या डिग्री प्राप्त करना नहीं था, बल्कि कृषि शिक्षा, पशुपालन हो, वाणिज्य, जो जैसे शिक्षा प्राप्त करना चाहिए यानी वो उसको वैसी शिक्षा दी जाए। इसके अलावा तकनीकी और व्यावसायिक एजुकेशन की आवश्यकता पर बल दिया गया। अच्छा, विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में NSS तथा NCC इसकी शुरुआत हुई है। ये कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 1959 में यहां पर NSS और 1963 में NCC की शुरुआत हुई, तो ये इसी की देन है। अच्छा, विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में छात्र कल्याण के लिए कोई एक बॉडी की बात की गई, क्यों, छात्र कल्याण करने वाली संस्था कौन सी होगी, तो एडवाइजरी बोर्ड ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर की स्थापना की गई, ये सकारात्मक परिणामों में है। अच्छा, छात्र अधिष्ठाताओं की नियुक्ति, छात्रों के कल्याण के लिए, छात्रों के हितों या छात्रों की मांगों को आगे रखने के लिए डीन ऑफ स्टूडेंट होंगे, यानी विश्वविद्यालयों तथा संबद्ध महाविद्यालयों में डीन ऑफ स्टूडेंट के गठन की बात आई पहली बार। अच्छा, और था कि स्नातक स्तर पर ट्यूटोरियल प्रणाली, मतलब छात्र और अध्यापक के संबंध को निकट लाना, इससे क्या होगा कि छात्र में जो भी संकुचित दृष्टिकोण है वो दूर हो, यानी छात्र अध्यापकों के संबंध को निकट लाने का मतलब था कि छात्रों की समस्याओं का समाधान करना, ये इसके सकारात्मक परिणाम निकल के आए, यही इसके प्रभाव है, जिसने आने वाले आयोगों के लिए एक माइलस्टोन का काम किया। अच्छा, प्रश्न था कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपने 13 विषयों पर सुझाव दिए हैं, उन सुझावों में उसने क्या क्या बात कहा, जैसे उसने कहा शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, बात थी कि उसमें एक महत्वपूर्ण सुझाव था कि शिक्षा का उद्देश्य, अब शिक्षा दी तो जा रही है या पहले भी दी गई थी, लेकिन आज की डेट में इस आधुनिक काल में या तृतीय विश्व के देशों में किस प्रकार की शिक्षा हो, शिक्षा का उद्देश्य रोजगार के अलावा और क्या हो, अगर इस टाइप की बात कहें, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति का चारित्रिक विकास हो, उसका आध्यात्मिक विकास हो, मतलब शिक्षा से चारित्रिक विकास, चारित्रिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा आनुवांशिक, आनुवांशिक
विकास करना, मतलब कि जैसे हमने कहा कि राधा कृष्ण आयोग ने अपने 13 सुझाव दिए, उन 13 सुझावों में सबसे पहले था शिक्षा का उद्देश्य, मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। उसमें क्या कहा, मतलब कैसी हो शिक्षा, शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का चारित्रिक विकास हो, उसका मानसिक विकास हो, उसमें बुद्धिमत्ता का विकास हो, अनुशासन आए उसमें, और उसमें आनुवांशिक विकास हो या आध्यात्मिक विकास हो। इससे अच्छा शिक्षा ऐसी हो जिससे अनुशासन आए, अनुशासनात्मक, और बौद्धिक विकास तथा बौद्धिक विकास हो शिक्षा का, व्यक्ति का व्यक्तित्व का बौद्धिक विकास, मतलब शिक्षा का उद्देश्य कहीं ना कहीं ये बातें होनी चाहिए। अच्छा इसके अलावा जो भारत की संस्कृति की ओर संकेत करने वाली शिक्षा हो, यानी वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित, वसुधैव कुटुंबकम तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, मतलब शिक्षा ऐसी हो जिससे भारत की संस्कृति यानी वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास हो, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। इससे हमारा क्या होगा, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होगा। शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति के प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो, मूल्यों का विकास हो। तो शिक्षा के उद्देश्य ऐसे होने चाहिए। मैंने पहला पॉइंट आपको बता रहा था कि भारतीय शिक्षा के उद्देश्य किस प्रकार के कहे गए, कि हमारी शिक्षा के उद्देश्य किस प्रकार के होने चाहिए। अगर आपसे प्रश्न बनाता है तो ये इस प्रकार की शिक्षा के उद्देश्य, तो मैं उन 13 सुझावों में से सबसे पहला आपके सामने रखा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे व्यक्ति का चारित्रिक विकास हो, उसका व्यवहारिक विकास हो, ताकि वो किसी भी समाज में जाए तो उसे रोजगार की समस्या ना हो। मतलब शिक्षा रोजगार तो दे, लेकिन उससे व्यवहारिक उसके आत्मविश्वास में वृद्धि करे, उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का गुण पैदा करे, ये इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। अच्छा दूसरा था सिलेबस, पाठ्यक्रम की बात, दूसरा उठाया था हमने शिक्षा के पाठ्यक्रम की बात कर रहा था मैं, भैया पाठ्यक्रम से क्या क्या खास बातें उठी। पाठ्यक्रम, अगर इससे प्रश्न बनता है कि भैया शिक्षा के पाठ्यक्रम संबंधी बातें क्या क्या कही है उसमें, तो उसमें कहा कि भैया विज्ञान और कला तो हो, मतलब इसमें विज्ञान जिसकी शिक्षा दी जाती थी, कला के साथ साथ सामाजिक, सामाजिक विषयों को भी शामिल किया जाए, विषयों को शामिल किया जाए ताकि व्यक्तित्व का विकास संपूर्ण तरीके से हो सके। विज्ञान और कला के अलावा सामाजिक विषयों की अनिवार्यता कहेगी। ये देखिए ध्यान, प्रश्न इंपोर्टेंट है, किस आयोग में पहली बार विज्ञान कला के अलावा सामाजिक शिक्षा की बात कही गई, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948। ये बातें आगे भी दोहराई जाएंगी, समय समय पर कही जाएंगी, और जहां पर शिक्षा की कमियां थी उनको दूर करने के लिए हर किस हद तक इनको लाया गया। अच्छा स्नातक शिक्षा की बात, जैसे पाठ्यक्रम में स्नातक पाठ्यक्रम और जो जो खास खास बातें गई, और परास्नातक, परास्नातक पाठ्यक्रम, ये स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का जो पहले भी था और अब भी है, और ये 2 वर्ष का कहा गया, खास खास बातें। अच्छा इससे अलावा जो पाठ्यक्रम या इससे संबंधित जो बातें खास खास थी उसमें एक और बात कही गई, खासकर अनुसंधान रिसर्च और अनुसंधान हेतु योग्यता आधार हो, ये कहा गया था। अनुसंधान रिसर्च कार्यों के लिए हायर एजुकेशन में अनुसंधान हेतु योग्यता आधार होनी चाहिए, इसे आधार माना गया। और निम्नतम, ये पूछता है निम्नतम 2 वर्ष आवश्यक, मतलब आपको रिसर्च कार्य के लिए न्यूनतम 2 वर्ष का आवश्यक होनी चाहिए, यानी 2 वर्ष का न्यूनतम रिसर्च तो होनी ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा न्यूनतम शब्द आया है, इससे कम नहीं चलेगा, इसके अलावा 3 वर्ष हो सकते हैं, 3 वर्ष का शोध कार्य हो सकता है, और 5 वर्ष का हो सकता है,
या फिर 4 वर्ष का भी कहा गया है, 4 वर्ष का हो सकता है। तो शोध कार्य न्यूनतम 2 वर्ष उसके लिए आवश्यक है और अनुसंधान या शोध हेतु योग्यता को आधार माना जाना चाहिए। ये सब बातें कही। अच्छा, पाठ्यक्रम से संबंधित जो बातें यहां पर आए हैं, अच्छा इसके अलावा मतलब विज्ञान कला के अलावा सामाजिक विषय हो, स्नातक 3 और परास्नातक 2 वर्ष का हो, यहां पर अनुसंधान या शोध कार्यों हेतु योग्यता को आधार माना जाए और अनुसंधान शोध के लिए रिसर्च के लिए आपको 2 वर्ष को आवश्यकता यानी अनिवार्यता हो, उसके बाद 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष जो भी करना चाहे या जो भी हो वो आवश्यक हो वो चलेगा। अच्छा, इसके अलावा जो जो बातें यहां पर की गई, शिक्षा के तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक में लाता हूं, तीसरा। अब पहला तो था, तीसरा टॉपिक है माध्यम तथा शिक्षण प्रणाली, शिक्षा का माध्यम कैसा, माध्यम तथा शिक्षण प्रणाली, शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए और शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए, इस पर भी विचार विमर्श हुआ है। यह भी एक महत्वपूर्ण सुझाव था। नॉर्मली हिंदी की अनिवार्यता महाविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में, चूंकि ये टॉपिक ही महाविद्यालय पे है, हिंदी अनिवार्य, मतलब खासकर स्नातक स्तर पर, स्नातक स्तर पर, मतलब बात थी कि स्नातक स्तर पर हिंदी तो अनिवार्य हो, मतलब उच्च शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा तो होना ही चाहिए। मतलब इसमें यह कहा गया कि उच्च शिक्षा का माध्यम या आधार क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी की अनिवार्यता के अलावा क्षेत्रीय भाषा। लेकिन ऐसा नहीं था, अंग्रेजी को भी दूर नहीं किया गया, खासकर तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा में, तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा में अंग्रेजी को मान्यता। भाषा की बात जहां पर कर रहा हूं, मतलब हिंदी की बात जरूर कही गई लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं की बात कही गई, और अंग्रेजी में यानी तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसमें अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जा सकता है, मतलब अंग्रेजी को नकारा नहीं गया। तो एक हिसाब से इनडायरेक्टली जो हायर एजुकेशन में अंग्रेजी की बात की गई फिल्ट्रेशन थ्योरी में, उसको भी स्वीकार तो किया गया है। अच्छा, उसके अलावा जो यहां पर बातें कही गई कि सभी संघी भाषाओं का विकास हो, संघी भाषाओं के विकास की बात कही गई, संघीय, भारत एक संघ है हम जानते हैं, संघी भाषाओं के विकास, संघी भाषाओं के विकास और उनका विकास भी किस में, देवनागरी लिपि में, और देवनागरी लिपि का विकास, ये संघी भाषाओं देश, क्योंकि एक संघी ढांचा है तो प्रत्येक संघ से मिलकर भारत बना है, यानी प्रत्येक राज्य से मिलकर भारत बना है, इसलिए संघ से संबंधित जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको मान्यता मिले और देवनागरी लिपि को आधार प्रदान, ये सब इसमें कही गई। मतलब राधा कृष्ण आयोग ने भाषा संबंधी प्रस्ताव भी आपके सामने रखी है। तो और जो बातें यहां पर कही गई कि विश्वविद्यालयों और संबद्ध विद्यालयों में उनके जनसंख्या पर, जैसे शिक्षण प्रणाली क्या हो, जैसे विश्वविद्यालयों में कहा, विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या पर वो हुआ, छात्रों की संख्या 3000 तथा संबद्ध महाविद्यालयों में विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या 3000 तथा संबद्ध महाविद्यालयों में 1500 हो। छात्र संख्या की भी बात भी यहां पर आई है कि विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या 3000 और संबद्ध महाविद्यालयों में 1500। तो हमारा टॉपिक था माध्यम और शिक्षण प्रणाली कैसी हो, क्या हो, उससे संबंधित जो प्रश्न बन रहे थे हमारे कि शिक्षा, राधा कृष्ण आयोग ने अपने शिक्षा आयोग में या अपने सुझाव में क्या क्या बातें कही। तो मैं 13 सुझाव आपके सामने पहले से रख दिए थे, लेकिन उनमें खास खास बातें क्या कही गई है और क्या क्या खास खास पॉइंट वहां पर होने चाहिए वो मैं आपके सामने रख रहा था। अच्छा, शिक्षक शिक्षा के संबंध में भी बहुत सारे सुझाव आए हैं, या छात्र कल्याण संबंधी सुझाव भी,
जैसे एक और आपके सामने रख देता हूं चौथा पॉइंट, क्योंकि ये हमने 13 पॉइंट कहे तो इतने पॉइंट लिखने मुश्किल है। तो छात्र कल्याण संबंधी सुझाव, छात्र कल्याण संबंधी सुझाव, बातें तो हमने 13 सुझाव में ये भी लिखा हुआ है, लेकिन उसमें खास कहा क्या गया, आखिर छात्र कल्याण संबंधी सुझाव कैसे दिए, उसके अंतर्गत क्या करने को कहा गया। अब छात्र कल्याण संबंधी सुझाव में कहा गया भैया छात्र मतलब विश्वविद्यालय में छात्र सलाहकार बोर्ड हो, छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड, सलाहकार बोर्ड गठित हो, मतलब खासकर स्नातक स्तर पर या विश्वविद्यालयों में छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड गठन प्रत्येक विश्वविद्यालय में होना चाहिए कहा। अच्छा, छात्र अधिष्ठाता की नियुक्ति की बात की गई, छात्र अधिष्ठाता जो मैं आपको बता रहा था, छात्र अधिष्ठाता की नियुक्ति, डीन ऑफ स्टूडेंट जो छात्र कल्याण की बात उठाए उनको सामने लाए मंच पर लाए उसे डीन ऑफ स्टूडेंट हम कहते हैं जैसे। अच्छा, छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड हो, डीन ऑफ स्टूडेंट हो। अच्छा, शारीरिक शिक्षा निदेशकों की नियुक्ति हो, शारीरिक शिक्षा निदेशकों की नियुक्ति, शारीरिक शिक्षा निदेशकों की नियुक्ति, इससे क्या होगा स्वास्थ्य शिक्षा खेल मतलब इन चीजों से क्या होगा, स्वास्थ्य शिक्षा को महत्व दिया जाएगा और खेल खेल को प्रोत्साहन मिलेगा यानी खेलों को बढ़ावा मिलेगा। ये सब बातें कही जा रही हैं छात्र कल्याण से संबंधित, जो भी यहां पर बातें आई हैं वो सब आपके सामने रख रहा था छात्र कल्याण संबंधी सुझाव में। अच्छा, और बातें कहेंगे तो हम विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में, जैसे विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में NSS तथा NCC का गठन, इनके गठन की बात उठी, अंततः इनका गठन भी किया गया, ये मैं आपको बता रहा था कि उसके परिणाम क्या थे। छात्र कल्याण संबंधी सुझाव के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव जो यहां पर दिए गए हैं उनसे कृषि विश्वविद्यालय की बात कही गई, कृषि विश्वविद्यालय होने से या जिसमें कृषि से संबंधित सिलेबस होना चाहिए यानी सिलेबस का पार्ट कृषि भी होना चाहिए, यह कहा गया। अच्छा, कृषि शिक्षा संबंधी सुझाव की बात की गई, कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि शिक्षा, इसके इसका प्रश्न उठा। अब इसमें और क्या जैसे प्रश्न उठे हैं कि कृषि का पाठ्यक्रम, कृषि का पाठ्यक्रम 2 वर्ष का हो और अगर उसमें पशुपालन भी शामिल हो जाता है, पशुपालन कृषि तथा पशुपालन की बात आती है तो 3 वर्ष का हो, यह भी इसका ही एक महत्वपूर्ण सुझाव था। तो छात्र कल्याणों के लिए छात्रों के लिए कृषि का पाठ्यक्रम भी अनिवार्य ताकि वो कृषि संबंधी जानकारियां रख सकें, अगर वो कृषि और पशुपालन में इंटरेस्टेड है तो उनका 3 वर्ष का पाठ्यक्रम होना चाहिए, यह भी यहां पर बातें कही। सॉरी, यहां पर एक मिस्टेक मेरे से हो रही है, मैं इसको थोड़ा करेक्शन करूंगा, कृषि का पाठ्यक्रम 3 वर्ष और पशुपालन अगर मिला दिया जाए तो 4 वर्ष, यानी हायर एजुकेशन है तो 3 वर्ष तो होगा ही ग्रेजुएशन, इसे 3 वर्ष और 4 वर्ष, ये बात उठ रही थी कि छात्र कल्याण संबंधी सुझावों में। तो ये जो हमारा टॉपिक था कि राधा कृष्ण आयोग और राधा कृष्ण आयोग के दिए गए 13 सुझाव, उन 13 सुझावों में 1 by 1 आप कवर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चूंकि इससे संबंधित बहुत सारे और भी प्रावधान है राधा कृष्ण आयोग, राधा कृष्ण आयोग से संबंधित जो विशेष फैक्ट है, जो जो उससे संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन है वो आपके सामने लगभग सब थे, लेकिन ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन को करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं इसके सुझावों को आपके सामने रख रहा था कि उन सुझावों के अंतर्गत क्या क्या कहा गया है, और इसके अलावा मैं 13 सुझावों को यहां कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने आपके सामने 2 या 3 सुझाव रखे। अच्छा, इसी की अगली कड़ी में मैं अन्य सुझावों पर भी डिस्कशन करूंगा कि और राधा कृष्ण आयोग ने क्या क्या कहा और उसके गुण और दोष और उससे क्या परिणाम या प्रभाव रहे, वो मैंने आपके सामने रख दिया। आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं और इससे संबंधित विभिन्न आयोगों को मैं आपके सामने लाता रहूंगा और जो जो भी खास प्रश्न बनने की संभावना रहती है वो इस कक्षाओं के माध्यम से आपके सामने उपस्थित करता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।